दोस्तों नमस्कार, नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जयपुर के हवा महल और हवा महल से लगते हुए रोड से आगे सुभाष चौक तक बैटरी वाले रिक्शा से जाएंगे और आप भी इसे एंजॉय करें। यह आपकी स्क्रीन पर हवा महल को आप रात की रोशनी से देख रहे हैं। यह हवा महल के सामने चलता हुआ रोड का ट्रैफिक और सामने का पूरा मार्केट आप देख पा रहे हैं। और यह ऊपर की तरफ हवा महल का सामने से व्यू लेने के लिए बना हुआ कैफेटेरिया है, जहां आप बैठकर आराम से चाय को पिया नाश्ता भी कर सकते हैं और हवा महल का पूरा व्यू आपको यहां ऊपर से मिल जाता है। आने वाले टूरिस्ट तकरीबन ऊपर जाकर इस कैफेटेरिया व्यू से जरूर पिक्चर क्लिक करते हैं और यहाँ बैठ कर कुछ पल हवा महल को सामने से देखते हैं। तो आइए अभी हम बैटरी वाले रिक्शा से हवा महल से आगे सुभाष चौक तक चलते हैं और पूरा आप एंजॉय करें। यही रास्ता आगे जल महल और आमेर फोर्ट को जाता है। दोस्तों यदि आपको घूमने का शौक है और आप जयपुर नहीं आए तो समझ लो आपने अभी तक हिंदुस्तान की सबसे प्यारी जगहों में से एक तो देखी ही नहीं है। जयपुर के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि पूरा भारत घूम लिए, लेकिन जयपुर नहीं देखा तो आप पूरा भारत ही नहीं घूमे। जयपुर की ज्यादातर ऐतिहासिक इमारतें आपको गुलाबी रंग की देखने को मिल जाएगी, इसलिए इस शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर संस्कृति, विरासत तथा मोह लेने वाली इमारतों की भूमि है। यहाँ के महलों की सुंदरता व वास्तुकला देख आप जिंदगी में कभी इस शहर को नहीं भूल पाएंगे। जयपुर राजाओं का शहर भी रहा है, अतः यहां आकर आपको राजाओं महाराजों के जीवन को पास से जानने का भी मौका मिलेगा। जयपुर में वैसे तो घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, लेकिन यदि हम एक जगह की बात करें तो वह नाहरगढ़ का किला है। अरावली पर्वतों में बने इस किले से पूरा जयपुर देखा जा सकता है। नाहरगढ़ किले का निर्माण महाराजा जय सिंह द्वारा सन 1734 में करवाया गया था। शुरू में किले को सुदर्शनगढ़ नाम दिया गया था, जिसे बाद में राजा नाहर सिंह के नाम पर नाहरगढ़ कर दिया गया। इस किले का नाम नाहरगढ़ बनने के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। किले के पास रहने वाले स्थायी लोगों का कहना है कि जब किले का निर्माण हो रहा था तब बहुत लोगों द्वारा राजा नाहर सिंह की आत्मा को किले में घूमते देखा गया था, जिस कारण इस किले का नाम उनके नाम पर ही रख दिया गया।
नाहरगढ़ किले को आमेर किले व जयगढ़ किले के साथ मिलकर ऐसे बनाया गया था जैसे कि यह जयपुर शहर के चारों ओर एक रक्षा कवच तैयार हो सके। इंडो यूरोपियन स्टाइल में बना है किला, साल भर दर्शकों के मनोरंजन का केंद्र बना रहता है। बॉलीवुड फिल्म रंग दे बसंती व शुद्ध देशी रोमांस की शूटिंग भी इस दुर्ग में हो चुकी है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे इसी वादे के साथ। जय हिंद, जय भारत।